जी बाबू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यूज की हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। सीएम आवास जा रही एएनएम को प्रशासन ने रोका, भगदड़ का माहौल। बीते कई दिनों से एएनएम द्वारा प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जा रहा है, लेकिन सरकार के मुख दर्शन बनी हुई और अभी तक उनकी मांगों की तरफ सरकार ने कोई पहल नहीं की। इसीलिए आज भी एएनएम ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ अपना रुख किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। सीएम आवास जा रही एएनएम को प्रशासन ने रोका, भगदड़ का माहौल। बीते कई दिनों से एएनएम द्वारा प्रदर्शन कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा जा रहा है, लेकिन सरकार मुखदर्शक बनी हुई है और अभी तक उनकी मांगों की तरफ सरकार ने कोई पहल नहीं की। इसलिए आज भी एएनएम के ने मुख्यमंत्री की तरफ अपना रुख किया। हालांकि सीएम आवास जा रही एएनएम को प्रशासन ने रोक दिया, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी महिला अपनी मांगों पर डटी रही और सीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश करती रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो दिन रात लोगों की सेवा में तैनात रहती है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को तरफ ध्यान नहीं देती। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो चुनाव में वे लोग सरकार के खिलाफ सबक सिखाएंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रेनिंग करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। इस बात को लेकर वो पहले भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का घेराव कर चुकी हैं, लेकिन वहां से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए थक हार कर उन्होंने सीएम आवास का रुख किया, पर प्रशासनिक अधिकारी उन्हें आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देते।